हेलो एंड हाय, कहने को बाय बाय हम आपके पास आए। अरे बाय बाय कहाँ, पहले तो होगा हंसना हंसाना। सुचिता सर इनको मेरे बारे में बताना। अभी अभी मुझे पता चला है कि जब ये पैदा हुए थे तो क्या हुआ था। क्या हुआ था? आसमान से फूल बरसे थे। वाह वाह क्या बात है, मुझे पता था मैं इतने इंपॉर्टेंट हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। आगे भी तो सुनो। अच्छा बोलो। परियों ने जश्न मनाया था। वाह वाह क्या बात है। फरिश्तों ने घी के दिए जलाए थे। वाह वाह। और कहा था क्या, अच्छा हुआ जान छूटी, अब दुनिया वाले भुगतेंगे। बहुत चला गया ना तू, बहुत अकलमंद है ना। चल मेरे सवाल का जवाब दे। यूं चुटकियों में तेरे सवाल का जवाब दूंगी। दे ना। अरे पूछ ना। ये बता के दिल के ऑपरेशन को बायपास क्यों कहते हैं? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब कैसे पता होगा? बता बता, तू तो अकलमंद है ना। नहीं आता, तू बता। अरे पगली, दिल के ऑपरेशन को बायपास इसलिए कहते हैं कि अगर वो कामयाब हो गया तो पास, वरना हमेशा के लिए बाय बाय। वेरी नाइस। चल एक और सवाल का जवाब दे। अरे आसान सवाल पूछ। आसान ही है ये, जो पता तुझे शीरी लैला जूलियट कौन थी? ऑफ कोर्स पता है। कौन थी? अरे वो प्रेम के पीछे पागल थी। प्रेम के पीछे पागल थी? हाँ। क्या इन लोगों का किसी प्रेम के साथ भी चक्कर था? छोड़ ना उनकी पर्सनल लाइफ, तो सवाल पूछना। हाँ। सीधे सीधे सवाल ये कि जो हीर जूलियट और लैला थी, इनका फोन नंबर क्या था? मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे कभी दिया ही नहीं। मतलब उनके पास फोन था? तब ये बोलूं, ये लोग लैला रांझा ही और ये सब फोन पर टांकेबाजी करते थे। अच्छा मुझे पता ही नहीं था, अच्छा हुआ तुमने मुझे बताया। देखो जीनियस है। चलो मुझे एक और सवाल का जवाब दो। बोलो। ये जन्नत होती है हाँ, इसमें हस्बैंड के साथ वाइफ क्यों नहीं जाती? अब मुझे क्या पता हस्बैंड के साथ वाइफ क्यों नहीं जाती जन्नत में। अरे पगली, तभी तो उसको जन्नत कहते हैं। जीनियस जीनियस। ए अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना। अब मैं सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दे। पूछो। देख मेरे एक हाथ में 5 सेब और 5 केले हैं। ठीक है। दूसरे हाथ में 5 केले और 5 आम हैं। ठीक है। तो बोलो मेरे पास क्या हुआ? तुम्हारे पास खली के हाथ है। अच्छा खली का हाथ जब पड़ेगा ना तब पता चलेगा।